नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस YouTube चैनल यूनिक स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नई वीडियोज के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पॉइंट क्या है, सिंधु सभ्यता का समय काल 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता का समय काल 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार देखा गया है कि सिंधु सभ्यता का समय काल किस दौरान माना गया है, यानी कि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। दोस्तों, इसको आप याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार देखा गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन में आता है, ये भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। तो खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता है। कांस्य युग, ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कई बार एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता किस युग से माना जाता है, तो सिंधु सभ्यता को कांस्य युग भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय माने जाते हैं। इस सभ्यता के निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। दोस्तों, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है। तो दोस्तों, ये एक नगरीय सभ्यता है, इस चीज को भी आप याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता में छह बड़े नगरों का उल्लेख किया गया है, जिसमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। ठीक है दोस्तों, ये छह बड़े महानगर हैं जिनका सिंधु सभ्यता में उल्लेख किया गया है, और ये इनमें से ज्यादातर जो ये नगर है, ये ज्यादातर गुजरात में पाए गए हैं, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, इस चीज को भी आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ये देखो दोस्तों, वही पॉइंट आ गया जो मैं आपको बता रहा था, सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के मुख्य बंदरगाह थे, यानी कि वहां के दो मुख्य बंदरगाह माने गए हैं, एक तो लोथल, एक सुतकोतदा, सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट के प्रयोग साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए है, यानी कि जुते हुए खेत और नक्काशीदारों ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये याद रखना है तो एक उस तरीके से याद रख सकते हैं, जो नक्काशीदार ईंटें होती है वो काली हो जाती है। ईंटें देखा होगा आपने, एक जगह कहीं पड़ी रहे तो वो काली हो जाती है, और जुते हुए खेत में की जो मिट्टी होती है वो भी ब्लैक सी होने लगती है। ठीक है, ब्लैक यानी काली सी, और नक्काशीदार ईंट भी काली होने लगती है। तो आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि नक्काशीदार ईंटें और जूते हुए खेत कहाँ पाए गए थे, कालीबंगन में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप काली वर्ड को कॉमन मान के चलना कि काली बात हो रही है, तो काली जूते हुए खेत थे और नक्काशीदार ईंटें थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। दोस्तों, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो दोस्तों, आप याद रखना, वो थी स्नानागार। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो थी स्नानागार। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर तीन मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली थी। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर तीन मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली थी।
दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो से तीन मुख देवता वाली की तस्वीर मिली थी, तो वो किस भगवान की तस्वीर थी? दोस्तों वो पशुपतिनाथ की तस्वीर थी। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक कांची कांच की मूर्ति मिली थी। मोहनजोदाड़ो से एक नर्तकी की एक कांच की मूर्ति मिली थी। ठीक है दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदोड़ से मिले थे। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदोड़ से मिले थे, ये भी आपको याद रखना है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि मन के बनाने वाले कारखाने कहाँ पर मिले थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। क्या है? सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है और यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज को भी याद रखना कि सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है और यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, यानी कि जिसमें घरों के दरवाजे सड़क की साइड ना होकर पिछवाड़े की साइड खुलते हैं, यानी कि अपोजिट साइड, जो सड़क की साइड होता है ना उसके अपोजिट साइड उनके गेट खुलते थे। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम ग्रिड पद्धति। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। हाँ दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोथल एकमात्र ऐसा नगर था जिसके दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। ठीक है दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता थी वहां किसान दो फसलें उगाया करते थे, एक तो गेहूं और दूसरी जौ, ये वहां की मुख्य फसलें उगाया करती थी। इन चीजों को भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, यानी कि जो सिंधु सभ्यता के निवासी थे वह मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य वर्णमाली से मिलता है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे इससे रिलेट करके याद रखना है। हल हल कौन चलाता है? एक माली जो एक खेत में काम करता है। तो आप इस चीज को रिलेट करके याद रख सकते हैं कि मिट्टी के जो हल थे उनका साक्ष्य वर्णमाली से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिससे वहां धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए थे। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिससे वहां धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है दोस्तों, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए थे, तो चावल के प्रथम साक्ष्य थे वे लोथल से प्राप्त हुए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है कि घोड़े के अस्थि पंजर किस स्थान से मिले हैं, तो आपको याद रखना है सुतकोतदा कालीबंगन एवं लोथल। इनमें से ऑप्शन तीनों में जो ऑप्शन आएगा ना उसमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, तो वही आपका राइट होगा। लोथल मिले या कालीबंगन मिले या सुतकोतदा मिले, इन तीनों में से ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो वही आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। वृक्ष पूजा यानी कि पेड़ की पूजा और शिव पूजा, इससे क्या पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वे वृक्ष की पूजा करते थे और शिव पूजा करते थे, उनके वहां इसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये SSC 2018 में पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु वासी सूती वस्त्र एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जो सिंधु के निवासी थे, जो सिंधु सभ्यता के निवासी थे, वे सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक
दोस्तों एक बार इस वीडियो को आप दोबारा जरूर देख लेना और साथ में इनके नोट्स बना लेना, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे, और एक दो बार उनका रिवीजन कर लेना इस वीडियो के द्वारा, और उन नोट्स को पढ़कर आप अच्छे से याद कर लोगे इस चीज को और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वे तलवारबाजी या तलवार को नहीं जानते थे, वे इस चीज से परिचित नहीं थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ रहा था। आपको ये चीज याद रखनी थी कि सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ था वो बाढ़ के कारण हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखना। आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।